बहुत लोग ऐसे हैं जो जमीन लेने वाले कट्ठा 1200 600 स्क्वायर फीट 900 स्क्वायर फीट लेने वाले, रोड पे चलते चलते भी हम लोग बात कर लेते हैं। अच्छा। उसके पास पॉकेट में तो 2 लाख 4 लाख रुपए लेकर चलेगा नहीं। पॉकेट में मैं बताऊँ कि एक का सिक्का है तो वो निकाल कर दे दी जाते हैं, बात पक्का हो गया। HBHW News, हम हैं आपके दिल की धड़कन और यह है आपका अपना चैनल। हमसे जुड़ने के लिए हमें करें सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक। सुमन कुमार, मामा भांजा रियल स्टेट प्राइवेट लिमिटेड के डायरेक्टर से साक्षात्कार। पटना के स्थानीय विजयनगर हनुमान नगर में मामा भांजा रियल स्टेट प्राइवेट लिमिटेड में जमीन का कारोबार किया जाता है। मामा भांजा के पार्टनर सुमन जी ने हमारे विशेष संवाददाता संजय दास गुप्ता को बताया कि वे कृष्णा निकेतन स्कूल के सामने और बेलदारी चक में जमीन उचित दामों पर ग्राहकों को उपलब्ध करवाते हैं। यहां सिर्फ 11 रुपए देकर अपनी जमीन बुकिंग करा सकते हैं और फिर शेष राशि प्राप्त कर ग्राहक को जमीन दिलवा देते हैं। युवा संगठन की टीम उनके सहयोगी के रूप में कार्य करती है। नमस्कार, मैं संजय दास गुप्ता। इस समय लोग आए हैं रियल स्टेट में मामा भांजा करके, बहुत अच्छे बिल्डर है लेकिन अभी पिक में स्थित है। हमारे उनके जो पार्टनर साहब है वो सुमन जी है। नमस्ते सर, हार्दिक अभिनंदन है सर। मामा भांजा क्या है, इसके बारे में हम लोग दर्शकों को बताएंगे। मामा और भांजा, जी जी, मामा जो है मेरे मामा जो सब छोटे वाले मामा है वो मेरे मामा हो गए और मैं भांजा हो गया। राइट। तो हम दोनों ने पहले ऐसे ही एज ए ग्रुप काम करते थे। तो फिर मैंने सोचा कि कहीं जगह स्थिर ऑफिस बना दिया जाए, क्योंकि सबको हम लोग के ऊपर इतना विश्वास हो गया था कि लोगों ने बोला कि नहीं, ये घर पे भी लोग आते थे तो सब दिक्कत होता था घर पे आने में, गली में गाड़ी वाड़ी जाने में दिक्कत होता था। तो मैंने कहा चलो मैं दोनों मिलकर बनाया। तो मामा बोले क्या नाम रखोगे? मामा, आप मामा हैं और मैं भांजा हूँ, इसी का नाम रख लीजिए। और ये ऐसा नाम है यूनिक है, दो छोटा, छोटे लोग हो या पढ़े लिखे हो या अनपढ़ हो, कोई भी हो, मतलब इसको नाम आराम से बच्चा भी ले सकता है। बिल्कुल ले सकते, बच्चा जब पैदा होता है तो मामा बोलता है या माँ बोलता है, उसी से स्टार्ट होता है मामा भांजा। तो इस नाम के लिए मेरे मार्केट में बहुत अच्छा रिस्पॉन्स भी मिला है, लोग बोलते भी हैं कि नाम तो बहुत बड़ा यूनिक है, कहाँ से लाए हैं। मैंने बोला मामा मिलकर मैं दोनों मिलकर एक ट्यूनिंग बनाया कि ऐसा ऐसा नाम रख देते हैं, एक्सेप्ट हो गया दोनों। मैंने अपना नाम देकर रजिस्टर्ड करवा लिया। तो आगे क्या मकसद है, किस तरह से आप प्लॉटिंग करके जनता को दे रहे हैं, आपके पास आ रहे हैं, तो बताएंगे। मेरे पास हर तरह का प्लॉटिंग है, गरीब लोगों के लिए प्लॉटिंग है, अमीर लोगों के लिए भी प्लॉटिंग है जी, और सबसे सस्ता भी प्लॉट है जी। जमीन का रेट क्लाइंट है जी, गरीब आदमी आ गए उनका अलग होता है। हाँ। वो गरीब लोग भी नाराज होकर यहाँ से नहीं जाते हैं, उन लोग मैं हद तक अपने ऊपर चाहता हूँ हंस कर जाए। जमीन को, जमीन एक ऐसा चीज है जो पूरे जिंदगी का मेहनत लगा देते हैं। हाँ। उसके बाद सोचते कि मेरा एक पटना में आशियाना हो, बिल्कुल एक घर हो, बिल्कुल रहने के लिए, मेरा बाल बच्चा या हर कोई पढ़ाई लिखाई अच्छा सुविधा मिले, नजदीक में हर चीज हो, व्यवस्था हो। तो मैंने सोचा कि हर वर्ग के लोगों के लिए मैंने रख दिया। गरीब लोग आते हैं सर मेरे पास अभी 11,000 है, इससे मेल कर दीजिए, मैं एक्सेप्ट कर लेता हूँ। 11 रुपया भी देता हूँ उसे भी एक्सेप्ट कर लेता हूँ, क्योंकि मैं पैसा भी पहले मायने नहीं रखता हूँ। पहले बोल देता हूँ पहले आप जाइए पेपर वेरिफिकेशन करा लीजिए, पेपर वेरिफिकेशन कराने के बाद आप आइए अपना नापी करा कर अमीन से पोजिशन ले लीजिए, बहुत बढ़िया। उसके बाद आप जो प्रक्रिया और कीजिए, पैसा कोई फाउंडेशन नहीं है यहाँ पे, सबसे बड़ा चीज़ है। बिल्कुल, जो लोग कहते हैं कि नहीं आप आइए तो पहले बुक कराइए, ये बुक क्या है अंग्रेज क्या है, बुक क्या है, बुक क्या है? मेरे यहाँ वो इसका मतलब ही नहीं निकाला जाए, बुक कराइए। बुकिंग का कोई मतलब, बुकिंग का कोई मतलब बहुत बढ़िया। सिर्फ एक ऐसा हो कि गरीब आदमी भी आए पॉकेट में रास्ता चल, कोई बहुत लोग ऐसे हैं जो जमीन लेने वाले कट्ठा 1200-600 स्क्वायर फीट 900 स्क्वायर फीट लेने वाले, रोड पे चलते चलते भी हम लोग बात कर लेते हैं। उसके पास पॉकेट में तो
दो लाख चार लाख रुपया लेकर चलेगा नहीं, नहीं। पॉकेट में मैं बताऊँ कि एक का सिक्का है तो वो निकाल कर दे दीजिए, आप यहीं से बात पक्का हो गया, बहुत बढ़िया। बाकी का प्रक्रिया जो आप जाकर जैसे आप अपने स्तर से कराइए, उसका मालिक अब आप हो गए, आप वहाँ से संतुष्ट होकर आ गए, आप जो भी कागजी कार्रवाई हुआ अपना कीजिए। ये हम लोग का ओपिनियन। हम हैं आपके दिल की धड़कन और यह है आपका अपना चैनल। हमसे जुड़ने के लिए हमें करें सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक।